नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदार्था में। जहां हम आपको बताते हैं कैसे आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने शरीर और स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। आज हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार मौसम का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे यह आपकी जीवन शैली बदल सकता है। इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और जानें कैसे आयुर्वेद और मौसम से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। खाने के साथ हमारे शरीर पर मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार यह माना गया है कि किसी एक मौसम में कोई एक दोष बढ़ता है तो दूसरा शांत होता है, जबकि दूसरे मौसम में कोई अन्य दोष बढ़ता तो घटता रहता है। आयुर्वेद के अनुसार आपके शरीर और मौसम का बहुत गहरा संबंध है, इसीलिए मौसम अनुसार लोग अपने शरीर में भी बदलाव देख सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में मौसम के हिसाब से रहन सहन और खान पान के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का पालन करके आप निरोग रह सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं मौसम कितने प्रकार के हैं और कैसे यह आपके शरीर पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला है ग्रीष्म ऋतुचार्य। ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने ग्रीष्म ऋतु होती है। इन महीनों में सूर्य की किरणें इतनी तेज होती हैं कि प्रातः काल में भी उन्हें सहन करना सरल नहीं होता है। सूर्य के पृथ्वी के निकट आ जाने से यह ऋतु उत्पन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु में उष्ण प्रकृति के खट्टे, कटु, लवण, रूखे और कसैले पदार्थों का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए। भारी, तले हुए, तेज मिर्ची मसाले वाले, बासी लाल मिर्च और उड़द की दाल, लहसुन, सरसों, खट्टा दही, शहद, बर्फ, बैगन इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं वर्षा ऋतुचर्या की। वर्षा ऋतु भारत की अन्य ऋतुओं में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली ऋतु है। इस मौसम में वातावरण में कई बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। जून जुलाई की तपती भरी गर्मी से यह मौसम निजात दिलाता है। वातावरण का तापमान कुछ हद तक गिर जाता है, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। इससे शरीर कई हद तक आराम पाता है, जैसे अच्छा पाचन, क्योंकि शरीर को गर्मी से भी राहत मिलती है। वर्षा ऋतु में हल्के, ताजे, गर्म और पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन हितकारक है। ऐसे पदार्थ लेना चाहिए जो वात को शांत करने वाले हो। इस दृष्टि से पुराना अनाज जैसे गेहूं, जौ, शाली और साठी, चावल, मक्का, सरसों, खीरा, सब्जियों में लौकी, भिंडी, तोरई, पुदीना, टमाटर इत्यादि का सेवन काफी लाभदायक है। शरद ऋतुचर्या। शरद ऋतु वर्षा और शीत ऋतु के बीच का समय होता है। सौंदर्य के दृष्टि से वसंत ऋतु के बाद शरद ऋतु का ही स्थान होता है। वर्षा काल में आकाश के धूल साफ होने के कारण शरद ऋतु की चांदनी मनोहारिणी होती है। शरद ऋतु के हिसाब से उपयुक्त भोजन को देखें तो कषाय, मधुर और तिक्त रस तथा पित्त को शांत करने वाले अन्नपान का भूख लगने और पूर्व में खाया भोजन पच जाने के बाद मात्रा पूर्वक सेवन करना अनिवार्य है। हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या। हेमंत ऋतु को प्रारंभिक शीत ऋतु कहा जाता है और शिशिर ऋतु को उत्तरकालीन शीत ऋतु कहा जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से शीतकाल की ये दोनों ऋतुएं मनुष्य के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस समय शरीर सबसे अधिक बलयुक्त होता है। दिन छोटे तथा रातें लंबी होने के कारण शरीर को आराम करने के साथ साथ भोजन के पाचन के लिए भी अधिक अनुकूलता मिलती है। इन दोनों कारणों से सर्दी में अधिक पुष्टि मिलती है तथा भूख भी अधिक लगती है। इस प्रकार पाचन शक्ति तेज होने से भारी और अधिक मात्रा में लिया गया आहार भी आसानी से पच जाता है। इस ऋतु में चिकने, मधुर
और लवण रस युक्त खाने का सेवन करना चाहिए, जिसमें शुद्ध घी, मक्खन, तेल, दूध, चावल की खीर, उड़द की खीर, मिश्री, मलाई, रबड़ी, ठंडे दूध के साथ शहद, गन्ने का रस, हलवा, पिट्ठी व मेवों से बने पदार्थ, मिठाई इत्यादि का उपयोग करना अच्छा माना गया है। वसंत ऋतुचर्या। वसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है, इसलिए इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। वसंत ऋतु सर्दी के मौसम के बाद आती है। वसंत ऋतु की शुरुआत ठंड के मौसम के अंत में फरवरी और मार्च के महीने से ही हो जाती है। इस ऋतु में सूर्य की किरणें तेज होने लगती है। शीतकाल यानी हेमंत और शिशिर ऋतु में शरीर के अंदर जो कफ जमा हो जाता है वह इन किरणों की गर्मी से पिघलने लगता है। इससे शरीर में कफ दोष कुपित हो जाता है और कफ से होने वाले रोग जैसे खांसी, सर्दी, नजला, गले में खराश जैसी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। वातावरण में सूर्य का बल बढ़ने और चंद्रमा की शीतलता कम होने से जलीय अंश और चिकनाई कम होने लगती है। इस ऋतु में कटुरस कषायुक्त भोजन का सेवन करना लाभदायक है, जैसे मूंग, चना और जौ की रोटी, मक्खन लगी रोटी, हरी सब्जी, उनका सेवन, साथ ही सरसों का तेल, करेला सूप, लहसुन, पालक, केले के फूल इत्यादि का सेवन करना लाभदायक साबित होता है। तो यह थी जानकारी आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग ऋतु में होने वाले शरीर पर प्रभाव की, साथ ही उन दिनों खाने वाले खाद्य पदार्थों की। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई हो और ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।